क्रिस्ट में प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आज के इस मिस्टर बलिदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम पुनः इस सुबह की बेला में अपने अपने लिए एक मतलब लेकर के आए। जिन किसी के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं उसे अपने मन में रखें और प्रार्थना करें पर विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे जीवन में और जिनके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं उनके जीवन में भरपूर आशीष एवं कृपा दें। आइए हम उन्हीं मतलबों के साथ आज का इसमें बलिदान को शुरुआत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आप हो भी। मनुष्यों के जीवन में कई प्रकार के मुसीबतें और कठिनाइयां आते रहती हैं। कभी कभी मनुष्य उन समस्याओं का सामना नहीं कर पाता और विचलित होकर के जब उसे वह सामना नहीं कर पाता तो प्रभु परमेश्वर के प्रति या उसके विरुद्ध में वो गुनगुनाता है, शिकायतें करता है। लेकिन ईश्वर की योजना मनुष्य के लिए कुछ अलग ही रहता है जिसे मनुष्य जान नहीं सकता। और उन्हीं मुसीबतों और विपत्तियों के द्वारा कई बार ईश्वर मनुष्य के लिए एक विशेष संदेश लेकर के आता है। जब हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आते हैं तो उनके माध्यम से ईश्वर हमें अपनी ओर वापस बुलाने के लिए एक कदम पहल करते हैं कि हम उन दुख या तकलीफ के माध्यम से हम उनकी ओर लौट आएं। हमें से हर एक जन अनुभव करते हैं कि जब हम विपत्ति में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, या निराश हैं, या हताश हैं, साधारणतः हम ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं। लेकिन प्रिय माता पिता भाई और बहनों, कई बार हमसे यह भी होता है कि हम विनम्रता पूर्वक ईश्वर की ओर लौटने के बजाय हम अधिक समय ईश्वर से शिकायत करने में समय बर्बाद करते हैं। आइए वैसे क्षणों के लिए जब हमने परमेश्वर से शिकायत की, अपने मन में अपने हृदय में कुड़कुड़ाया, उस दुख उस दर्द को एक क्रूस के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया, हम ईश्वर से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ अपने किए सभी दोष गुनाहों के लिए, पापों के लिए भी पश्चाताप करें कि हम इस यूक्रिस्त बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकेंगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमार मरियम से सब स्वर्ग दूतों, सब संतों और आप लोगों से
हे भाई बहनों, विनती करता हूँ आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सब पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सब को जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कोरिंथियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 14 से 22 तक। पाठ का मूल सारांश है, अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मैं आप लोगों को समझदार समझकर यह कह रहा हूं, आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इज़राइलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाली वेदी के सहभागी नहीं है? मैं यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता अथवा यह कि देवमूर्ति का कुछ महत्व है, किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अवधूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अवधूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अवधूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते हैं। आप प्रभु की मेज और अवधूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद क्या? हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। भजन अनुवाद क्या? हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। भजन अनुवाद क्या? हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष, हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा
तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 43 से 49 तक। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंच कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता है और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में हम सभी कोई एक हैं। जब जब हम यूक्रिस्ट बलिदान में भाग लेते हैं, हम एक मन और एक हृदय होकर के हम उसमें सम्मिलित होते हैं। वही केवल नहीं, लेकिन हम एक शरीर, एक रोटी और एक कटोरा से खाते और पीते हैं। और यह यही दर्शाता है कि हम सभी कोई एक हैं। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई और बहनों, जब तक हम यूक्रिस्ट बलिदान में शरीक हो रहे होते हैं, हम में किसी भी प्रकार से हमारे बीच कोई विभाजन नहीं दिखता। लेकिन यूक्रिस्ट बलिदान में भाग लेने के बाद जब हम अपने जीवन शैली में हम वापस जाते हैं, तो जो एकता जो हम में थी हम पाते हैं वह बिखरता हुआ, वह टूटता हुआ।
जिस यीशु को, जिस क्रिस्ट को हम मानते हैं, जो हमारा शीर्ष है, और उनके माध्यम से हम सभी कोई एक हैं। और यदि हम उन्हें उनका अनुसरण करते हैं तो हमें चाहिए कि हम सभी भाई बहन उसी एकता में बने रहें, उस ख्रिस्तीयता में जिएं। आज का दूसरा पाठ जो संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, हम लोगों ने सुना कि जो मनुष्य के हृदय में है वही उनके मुंह से निकलता है। जो मनुष्य के हृदय में है वही उनके मुंह से निकलता है। हम मनुष्यों को उनके वचन से, उनके व्यवहार से, उनके बर्ताव से हम उन्हें परखते हैं या जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से है। जिस प्रकार एक पेड़ उनके फल से जाना जाता है, उसी प्रकार हम मनुष्य हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे जीवन शैली से वो जाने जाते हैं। कई बार हम यही कोशिश करते हैं दूसरों के सामने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पेश करने के लिए, रखने के लिए, लेकिन शायद यदि हम वास्तविकता में हम अगर नहीं जीते और जो हम हैं उसके विपरीत यदि हम जीते हैं तो शायद हम एक ढोंगी की तरह जीते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि आप मेरा कहना नहीं सुनते तो मेरे पास आकर के हे प्रभु क्यों कहते हो। प्रभु का कहना क्या है? प्रभु यीशु ने दो ही मुख्य बड़ी सबसे बड़ी आज्ञाएं उन्होंने दिया। प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारे शक्ति से प्यार करना, सारे बुद्धि से प्यार करना, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। ये दो ही चीजें मुख्य रूप से उन्होंने कहा, और कहा कि संहिता के सारे नियम और कानून इसी पर आधारित है। उन्होंने कहा यदि हम इसे नहीं सुनते, नहीं जीते, और हम आकर के हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, शायद हमारा पुकारना, प्रभु को आवाज देना, प्रार्थना चढ़ाना व्यर्थ होगा। इसलिए प्रिय माता पिता भाई बहनों, आइए हम सबसे पहले प्रभु के दिए हुए वो दो सबसे बड़ी आज्ञाओं को हम जीना सीखें। हम जिए, और जब जब हम उसे जीते हैं और प्रभु के पास आकर के हम प्रार्थना करते हैं, निश्चित तौर पर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे, उन्हें पूरा करेंगे। Oh,
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पौत्र कृष्ण के प्रलाप के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है, दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरी महिमा करें और पावन युक्रिस्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुमारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है, इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विष्णु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है, स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम गाते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर धन्य संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मानित तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। सामर्थ्य और तेरे में मां अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलिस्तक विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सभी को जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं शिव में हूँ, क्या मैं यहाँ आवे इंद्र की शक्ति कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे दिल में
प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने, यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सब पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सभी डाले प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।